बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दावा किया कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को जनता दल यूनाइटेड जेडीयू में शामिल करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने उन्हें दो बार सुझाव दिया था। मंगलवार रात एबीपी न्यूज के कार्यक्रम शिखर सम्मेलन में प्रशांत किशोर को अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी के तौर पर देखने से जुड़े सवाल पर नीतीश ने यह बात कही। जेडीयू अध्यक्ष ने कहा, वो हमारे लिए नए नहीं है, उन्होंने हमारे साथ वर्ष 2015 के विधानसभा चुनाव में काम किया था, थोड़े समय के लिए वो कहीं और व्यस्त थे। कृपया मुझे बताने दें कि अमित शाह ने दो बार मुझसे उन्हें प्रशांत किशोर को जेडीयू में शामिल करने को कहा था। उन्होंने कहा, प्रशांत किशोर को समाज के सभी तबके से युवा प्रतिभाओं को राजनीति की ओर आकर्षित करने का काम सौंपा गया है। राजनीतिक परिवारों में नहीं जन्मे लोगों की राजनीति से पहुंच दूर हो गई है। नीतीश ने कहा, मुझे प्रशांत किशोर से काफी लगाव है, लेकिन उत्तराधिकारी जैसी बातें हमें नहीं करनी चाहिए, यह राजशाही नहीं है। बता दें कि प्रशांत किशोर को पिछले साल सितंबर में जेडीयू में शामिल किया गया था। इसके कुछ हफ्ते बाद ही उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया था। इससे ऐसी अटकलें लगने लगी कि नीतीश उन्हें अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाने के बारे में सोच रहे हैं। पटना से बिहार प्लस की रिपोर्ट, यूट्यूब पर हमारे चैनल बिहार प्लस को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे।